subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सुपर कुकिंग शो, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जेकर रेसिपीज टाइम पर शारजा कुकिंग ऑयल से गड विटामिन ए डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है, तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल जमें बनस्पति घी जमें खादा तमाम सुठा ठहंदा आहिनि, ख़ासकर मिठो ऐं पराठनि में असां बनस्पति घी जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। एनएक्स असांसां गॾु आहे, एनएक्स जी क्वालिटी प्रोडक्ट आहे जेको हर घर जी ज़रूरत आहे किचन जी, ख़ासकर अदीन खे जूसर ब्लेंडर चॉपर जी ज़रूरत हूंदी आहे घर में जॾहिं असां कुकिंग कंदा आहियूं। हुन सां गॾु जॾहिं बेकिंग कंदा आहियूं त माइक्रोवेव जी ज़रूरत पवंदी आहे, एनएक्स जी बेस्ट ब्रांड आहे। ऐं वेबसाइट वञी ॾिसी सघो था अॼु जेका रेसिपी ठाहियूं पिया, खाधनि जी तमामु सुठी रेसिपीज़ आहिनि जेके फरमाइशूं बि आहिनि। अॼु ठाहींदासीं पालक गोश्त वॾे जे गोश्त में ठाहियूं पिया, अगरि चिकन में ठाहिणु चाहियो त सेम मेथड सां ठहंदो। अरवी जो सीज़न आहे, मसालेदार बेसण वारी अरवी ठहंदी। ऐं हुन सां गॾु हिकु आलू जे जो शरबत ठहंदासीं। मां तव्हांखे चयो की डिफरेंट क़िस्म जी ड्रिंक्स तव्हांखे शरबत ठाहे सघंदासीं फ्रूट्स जो, त आलू जे जो शरबत ठहंदो। टई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। कुकिंग विद शेफ असां मुंहिंजो पेज आहे, हुते रेसिपी अपलोड थींदी आहे, स्क्रीन ते नंबर हले पियो। का बि फरमाइश करणी हुजे कॉल करे सघो था, कुझु बि पुछणो हुजे कॉल करे पुछे सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, विटामिन ए और डी से भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति की बेहतरीन है जिससे पराठे और हलवे बनते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, हर घर की ज़रूरत, खासकर बहनों को जब किचन में कुकिंग करते हैं तो बहुत ही ज़रूरत पड़ती है मशीनरी की, तो जूसर ब्लेंडर चॉपर एनएक्स का बेस्ट है। उसमें माइक्रोवेव ओवन है, ब्लेंडर है, हैंड मिक्सर है, मिक्सर वगैरह सब ले सकती हैं। वेबसाइट इनकी आप देख के उनकी प्राइजेस वगैरह सब पता चल जाती है वहाँ से। आज की जो रेसिपी बना रहा हूँ पालक गोश्त बनेगा, पालक गोश्त मज़ेदार रेसिपी है, फरमाइश थी। अरवी का सीज़न है तो अरवी बेसन वाली मसालेदार अरवी बनेंगी, फ्राई करके इसको बनाएंगे, बॉयल हुई हुई है, और उसके साथ आलूचे का आलू बुखारा जो आजकल सीज़न में आया हुआ उसकी ड्रिंक बनाएंगे। मज़ेदार रेसिपीज है, नोट कीजिएगा। और सुबह 12 बजे रिपीट चल रहा होता है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है, कॉल करके कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। ऐं किचन में हलंदासीं रेसिपी कंदासीं स्टार्ट, सभिनी खां पहिरीं कंदासीं पालक गोश्त जी रेसिपी। पालक गोश्त लाइ बीफ, मटन, चिकन जेको तव्हांखे सुठो लॻे हुनमें तव्हां ठाहे सघो था, ठीकु आहे। हिन जो प्रोसेस तव्हांखे ॿुधायां थो। पहिरीं छा कंदासीं, आलू बुखारे जो जेको शरबत ठहंदो हुनखे आलू बुखारनि खे बॉयल करण लाइ रखी था छॾूं, ठीकु आहे। एक कढ़ाई लेते हैं या पतीला लें छोटा, आलू बुखारे हैं ये तकरीबन 1 पाव के करीब हैं, 3 गिलास 4 गिलास जितना बना रहा हूँ आप डेली बना के पी सकते हैं। आलू बुखारों को वॉश करके या अपने कढ़ाई में डाल देने, ठीक है। आलू बुखारा धोए कढ़ाई में विझंदो, हिन सां गॾु हिते पाणी विझंदो 1 गिलास, ठीक है। शरबत बनाने के लिए रख देते हैं ड्रिंक, जब तक ये बॉयल होगा चीनी जाएगी, इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं, उस दौरान हम आलू गोश्त बनाएंगे। 1 गिलास पानी जिसमें ये बॉयल होगा, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, 1 कप खंड, 1 कप चीनी चली गई, ठीक है, 1 कप खंड, 1 का 1.5 पा आलू बुखारा, ठीक है। ऐं हुन सां गॾु असां में छा विझंदासीं, पाणी 1 गिलास, इहो विझी हिनखे हिते साइड में रखूं था बॉयल थियण लाइ, ठीक है। 1 गिलास ले लिया है यहाँ पे पानी, 1 कप चीनी और 1 से 1.5 पाव आलू बुखारे, 1 पाव काफ़ी हैं, 8 दाने भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। इसको कवर कर देंगे और ये पकता रहेगा, जब आलू बुखारा गल जाएगा इसको अच्छी तरह बिल्कुल छिलका उतर जाएगा, हिला लेंगे, हिलाने के बाद आपने क्या करना है इसको छान लेना है, ठीक है। ये जब छान के फिर आप इसको बर्फ़ डाल के आप इसको ठंडा सर्व कर सकती हैं, मज़ेदार ये ड्रिंक है आलू बुखारे की। सेकेंड रेसिपी, इसका प्रोसेस पूरा बताता हूँ क्या क्या किया है मैंने पहले से। पालक गोश्त है प्यो, पालक गोश्त जी फरमाइश हुई, ठीक है, तो पालक गोश्त है प्यो। पालक गोश्त के लिए हमने क्या किया, 3 पाव जितना आपने गोश्त लेना है, बीफ ले लें, मटन ले लें, ठीक है, या चिकन ले लें। और इसमें सबसे पहले 1/2 कप शारजा कुकिंग ऑयल गर्म कयो, सभिनी खां पहिरीं 1/2 कप शारजा कुकिंग ऑयल गर्म कयो, हुनमें 2 गंढ दरमियाने साइज़ जूं बसर जूं विधियूं उनके गाढ़ो कयो, इलाही वधीक गाढ़ो न थिए लेकिन गोल्डन ब्राउन थी वञे, ठीक आहे। अदरक थूम जो पेस्ट विधो 2 खाइण जा चमचा, साबित गरम मसालो हिनमें वियो, 1 अदद तेज़ पत्तो, 1/2 चांहि जो चमचो साबित कारा मिर्च, 3 अदद लौंग, 1 वॾो फोटो, 2 नंढा फोटा अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो, ऐं दार चीनी जी 1 डंडी विधी, गरम मसाले खे भुञियो, हुन खां पोइ हिनमें 3 पाव जेतिरो हॾी वारो गोश्त विधो, ठीक आहे। हॾी वारो गोश्त हो बीफ जो, इहो विधो, गोश्त खे 5 मिंट भुञणो आहे, हुनखां पोइ 2 खां 3 गिलास पाणी विधो, कवर कंदो, लूणु हिन में न विधो, कवर करे हिनखे मां कवर करे ऐं हिनखे मां पचण जे लाइ रखी छॾियो। जॾहिं गोश्त ॻरी वियो सफ़ा हिन कलर में अची वियो, गोल्डन कलर में मसालो जो अची वियो, बसर सफ़ा ॻरी विया त चुल्हो मां बंदि करे छॾियो, ठीकु है।
सबसे पहले गोश्त का प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके लिए हमने क्या किया, ये तैयार हुआ हुआ गोश्त, ठीक है। शारजा कुकिंग ऑयल लिया हाफ कप, शारजा कुकिंग ऑयल गरम किया, उसमें दो अदद दरमियाने साइज़ की प्याज डाली, उसको गोल्डन फ्राई किया, गोल्डन फ्राई लाइट कलर आ गया। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डालने के बाद आपने क्या करना था, इसमें साबित गरम मसाला डाला 1 अदद तेज़पत्ता, 10 से 12 अदद काली मिर्च साबित, 4 अदद या 3 अदद लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की डंडी और सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डाल के मसाले को भूना, गरम मसाले को। उसके बाद आपने इसमें 3 पाव आपने गोश्त डाल देना है, हड्डी वाला बीफ डाल दें या मटन डाल दें या चिकन डालेंगे, ठीक है। गोश्त को 5 मिनट भूनने के बाद, बीफ या मटन है तो आपने 2.5 से 3 गिलास पानी डालना है, और अगर चिकन है तो उसमें सिर्फ 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डाल के इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है। जब बीफ और मटन गल जाएगा, पानी इसका ड्राई होने लगेगा, इसको भून लेंगे। गोश्त मेक श्योर कीजिएगा कि गल गया हो, ठीक है, गोश्त गल गया हो। चिकन होगी तो चिकन को 1.25 गिलास पानी या 1.5 कप पानी के साथ आपने भूनना है, भूनने के बाद पानी डालना है और उसको कवर करके चिकन गलने तक पकाना है। पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ गया, ये गोश्त का प्रोसेस हमारा हो गया था तैयार, ठीक है। अब इसका चूल्हा ऑन करते हैं, ठीक है। हेस ताई तैयार करे रखो, छाकाण तो बीफ मटन में टाइम लगन दो है पचाने में, तो हे असा पहरी खाएं करे रखियो, ठीक है। ये हो गया, अब चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे आलू बुखारे हमारे हो रहे हैं बॉयल, और इसको पहले तेज़ आंच किया था, बॉयलिंग आ गई। अब इसको हल्की आंच पे 15 मिनट तक पकने दें, छिलका हट गया इसका और ये बिल्कुल पक के मैश हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त ड्रिंक हमारा तैयार हो जाएगा आलू बुखारे का, ठीक है। हिते हाणे हिन में छा शयूं वेंदियूं, हाणे हिन में सभिनी खां पहिरीं असां विझंदासीं टमाटा, 2 अदद टमाटा खयां, हुनजो छिलको हटाए वठिजो, ठीक है। खल हटाइण खां पोइ छाकाणि त खल जेका हूंदी आहे गरंदी न आहे, साबित नज़र ईंदी आहे, खल हटाए छॾिजो 2 टमाटनि जी, हुन खां पोइ हुनखे कटिंग करे वठिजो, ठीक है। 2 अदद टमाटर लिए स्किन हटा दें टमाटर की आराम से, उसके बाद आपने इसको क्यूब्स में कटिंग कर दिया। इसको गरम कर रहे हैं दोबारा, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर चॉप किए हुए सबसे पहले, ठीक है। टमाटर चले जाएंगे चॉप किए हुए 2 अदद, छिलका हटा के चॉप किया, ठीक है। और जिनकी फरमाइश थी लास्ट वीक, शायद आपने कॉल की थी कि आलू गोश्त, भिंडी गोश्त और इस तरह की शोरवे वाली चीज़ें और पालक गोश्त बनाना सिखाएं, तो मैं, मुझे नाम याद नहीं है उनका, लेकिन ये मैं रेसिपी बना रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत सारी वैरायटी है, फरमाइशें हैं तो वो भी पूरी करते रहेंगे, ठीक है। टमाटर अब इसमें जब गलने लगेंगे, थोड़ी देर इसको पकने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें नॉर्मल मसाले जाते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ, गरम मसाला पाउडर, ठीक है। मसाला छा वेंदा जो नॉर्मल असं घर में यूज़ कर, ढो मज़ेदार पालक गोश्त ठाँद इन जला जो पालक है, पालक इतने बॉयल थियल है, ऐसो पालक है 1 किलो पालक है, ठीक है, 1 किलो पालक है। पालक के छा कौ कटिंग करें, सुठी पालक वो कटिंग करण का पोए पालक के वॉश कजो, चंगी तरह धोयण का पोए कटिंग कंदो, ताकि उनको ताकत जो होंगी निकली ना। पहले पालक जब पत्ता चंगी तरह वे पतीले में धोयण का मिट्टी निकली वे, उनके चंगी तरह सुखा पानी कटी उनको, उनके कटिंग करे छो, कटिंग करे पतीले में विझो, 1 गिलास पानी विधो, उन गड मेथी मिलंदी है साई मेथी, थोड़ी सी 1/2 कप जितनी मेथी इनमें विधी, इनके कवर करे जेस ताईं पालक गरी वे पानी खुश्क थी वे तेस ताईं इनके बॉयल करणो है, ठीक है। ये बॉयल थे इनके असं ग्राइंडर में पीसंदी, ठीक है, सॉरी चॉपर में पीसंदी। इसको हमने क्या किया, 1 किलो पालक ली, इसको अच्छी तरह वॉश करें, कटिंग करके पत्तों को वॉश करके फिर कटिंग करें, कटिंग करके आपने पतीले में डालना है, 1 गिलास पानी डालना है। कसूरी मेथी, सॉरी सूखी मेथी जो होती है वो तो बाद में थोड़ी डालेंगे, हरी वाली मेथी होती है वो 1/2 कप जितनी साथ डालेंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेथी डाल के उसको कवर करके 1 गिलास पानी के साथ बॉयल करना है। जब पालक आपकी बिल्कुल गल गई, पानी ड्राई हो गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ग्राइंडर उसमें चॉपर में पीस लेंगे, ठीक है। टमाटर मैंने डाले हैं, टमाटर 2 मिनट में गल जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके मसाले डालना शुरू करने हैं। दही इसमें जाएगी 1/2 पाव, दही ज़रूर डलेगी, पालक गोश में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दही से। हाँ, इनमें मसाला विझण शुरू किया था जडे टमाटा तुम दिसंदो छाकाणि त इनमें खल ना है, स्किन हटियल है, तो टमाटा फौरन गरी वेंदा। अब इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच भर के डालेंगे धनिया पाउडर, ठीक है, नमक 1/2 चाय का चम्मच भर के डालेंगे, बाद में कम पड़ा तो आप बढ़ा सकते हैं। हेड पीठल 1 चाय जो चम्मचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, पीठल दाणा 2 चाय जा चमचा, लूण 1/2 चाय जो चमचो, ठीक है।
ये सब शयूं विधियूं मसाले से गड इनके भुजंदी चंगी तरह मसालो बिगाड़ो थो कलर ऑयल में टमाटा सफा नरम थी वा टमाटन की खल अथल है ठीक है। अच्छी तरह इसको अब पकने दें भूनते रहें साथ साथ। अब क्या करेंगे यहाँ पे मशीन में चॉपर में जूसर मशीन में पीस सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करें इसको इमाम दस्ते में कूट सकते हैं पालक को ठीक है। ये पतीले में भी कूट सकते हैं उखरी मोरी में भी कुटे सको था। अगर ये एनएक्स जो तुम चॉपर ना है तो उखरी मोरी में कुटे पालक के विझो साबित ना विझो वो मज़े जी ना लगन दिया। पालक जो बॉयल हुई भी थी ये पूरी इसमें डाल रहा हूँ। थोड़ा सा अपना पालक का पानी है वो रहने दें आधा कप जितना बिल्कुल ड्राई नहीं करें ठीक है जी। कॉल बैठ होता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके। बिल्कुल ठीक ठाक। रुखसाना जैदी बात कर रही हैं जी। जी कैसी हैं आप। माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। और आज आप एक तो ये बहुत अच्छा है पालक गोश्त से बन रहा है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी बननी चाहिए कि जो नॉर्मली जो लोग चाहते हैं कि घर में बनती रहे। जी बिल्कुल। आपके सारे पालक बड़े अच्छे होते हैं जो बनाते हैं। शुक्रिया। बेसिक चीजें ऐसी होती है की जो घर में बनती है लेकिन बाद लोगों जो स्टार्ट कर रहा होता है उन्हें नहीं पता होता। जी बिल्कुल। तो जैसे जिन्होंने फरमाइश की थी आपकी बहुत अच्छी फरमाइश की थी और बहुत अच्छा बन रहा है। उसके अलावा आप जो बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। जी जी। तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा कि आपने उसमें क्या किया है। ठीक है। और मैंने जो अभी बनाई थी कल कुल्फी और वो बनाई थी बनाना कुल्फी। अच्छा बनाना कुल्फी कैसी बनी। जी बहुत अच्छी बनी। केले को शामिल किया और सेम हुई कुल्फी वाला प्रोसीजर किया और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने इलायची तो नहीं डाली लेकिन केवड़ा एसेंस डाला उससे फ्लेवर अच्छा आ रहा होगा। और फिर उसके बाद जब हमने आज ही इसको खाया है तो वो उसके ऊपर जो है जो लाल शरबत होता है थोड़ा सा वो डाल के ठीक है। अच्छा चलें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी रेसिपी है। मुझे रेसिपी सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है मैं फिर ठीक है आप देख रही होंगी मुझे रेसिपी सेंड कर दीजिएगा आपने कैसे बनाई थी मैं भी बनाऊंगा तो फिर मैं अपनी उसमें वेरिएशन करके ठीक है। इसको मैं अभी और भी भून रहा हूँ। इनके चंगी तरह भुनण गोश्त की जितनी भुनाई कह एतो सुठो ठा मसालन से ठीक है। गोश्त को जितना ज़्यादा भुना जाता है उतना अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह गोश्त को मसालों के साथ भूने टमाटर भी बिल्कुल गल जाएंगे। इसको भूनते रहेंगे कवर करते रहेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें आए। पानी मैंने अभी नहीं डाला है ठीक है। अब इसमें हम दही डालेंगे जब तक पालक को थोड़ा जला लेते हैं ठीक है। बस इतो हलाइंदे सिकड़े दफ़ा लाइट से दे ठीक है। ये एनएक्स का चॉपर है आप लोग लें नई टेक्नोलॉजी के साथ है बहुत इजीली मिल जाता है। देखिए एक मिनट में पालक बिल्कुल तैयार हो गई और ये बिल्कुल वैसी बनी है दाने वाली जैसे होनी चाहिए वरना हम जूसर मशीन में डालते हैं तो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है। ये पेस्ट नहीं बना ये आप देख सकते हैं ठीक है। ये ॾिसो तमाम सुठी आए इन तरीके से ठही है कि जो घोटियल होंगी कुटियल होंगी साग हों ठीक है। उन तरीके से ये बिल्कुल जो थी वो प्रोसेस। अच्छा अब क्या करेंगे दही को बीट करके डालेंगे। दही कभी भी सालन में डालें तो फेंट के डाला करें उससे लम्प्स नहीं बनते दही नज़र नहीं आती ठीक है। आधा का आधा पाव दही डाल रहा हूँ मैं इसमें आधा पाव बोल रहा हूँ आधा कप ठीक है। आधी प्याली आधा पाव से थोड़ी कम है तकरीबन 6 टेबल स्पून दही है। दही को अच्छी तरह बीट करके फेंट के डाला करें। दही के हमेशा चंगी तरह फेटे विझंदा कयो ताकि दाणो जो हों दही जो वो सालन में रहजी ना वन ठीक है। दही के क्रीमी टेक्सचर अची वे फेंट के अंदर हली वी। अब हम इसमें दही डाल देंगे जब ऑयल ऊपर आ गया ठीक है। दही पूरा इसके ऊपर डाल दिया दही डाल के अब इसको भूनेंगे हल्की आंच पे। दही अपना पानी छोड़ेगी इसमें गोश्त और मजीद टेस्टी हो जाएगा ठीक है। दही हाँ पांचों पानी छड़ी तमाम सुठो इनको फ्लेवर इंदो इनके ब मिनट अना भुजंदी दही से गड को पालक मुँह से पीसे रखी है वो इनके अंदर ऐड करना ठीक है। अब पालक जो पीस के रखी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे ठीक है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इमाम दस्ते में कूट सकते हैं ठीक है। उखरी मोरी में कुटे वटो या घोटने साइन के घोटे वटो जी साग के घोटबो है। पानी जैसे दही जो खुश्क थी वो तो ही सजी पालक इनके अंदर ऐड कर छाँसी ठीक है। जैसे दही का पानी ड्राई हो गया आपने पूरी पालक इसमें ऐड कर देनी है
इसको करेंगे मिक्स। डाल दी, इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा हल्का कर दें बिल्कुल, ताकि जले ना सालन। हाँ ब्रेक पे बनूँ प्या, जैसे मैं इनके मिक्स किया तो इनके बटर मिंट भुंजन दासी, ठीक है। ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के दौरान इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, पालक को इसमें भूनता रहूँगा, ठीक है। जब पालक का कलर डार्क होने लगेगा फिर इसको कवर करेंगे, उस दौरान एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो। दिल चाहे और क्या, शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है। एनएक्स असा गड एनएक्स हर घर की जरूरत, खासकर खवातीन के जूसर, ब्लेंडर, चॉपर की जैसे जरूरत पड़ी है, तो एनएक्स जो ब्लेंडर, जूसर, चॉपर तुम सामू में यूज़ किया तो मज़ेदार इनमें जल्दी क्विक रेसिपीज असाई सूँ था एनएक्स में। एनएक्स जो खासकर जो है LED लाइट से गड आयल है यो तुम वी सो जो सामूँ यूज़ किया जो माइक्रोवेव ओवन अगर बेकिंग करने जो तक शौक है तो वी सोता इतने पालक गोश्त असो तैयार थे पो इनके चंगी तरह भुंजनो है। जैसे पालक इनमें ऐड कंदी तो इनके भुनाई करनी है, ठीक है। जब पालक इसमें ऐड करेंगे तो इसको आपने भूनते रहना है, इतना भूनना है कि पालक का कलर चेंज हो जाए। जब अब आप देखेंगे पालक का कलर चेंज होने लगा है, फिर हम इसमें क्या डालेंगे, कसूरी मेथी, खुश्क मेथी जो होती है कसूरी मेथी, ये एक चाय का चम्मच हाथ में लेके मसल के इसको डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। कसूरी मेथी जेका खुश्क मेथी होंगी या विज भी इनमें एक चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर वेंदो, अध चाय जो चमचो आखिर में मथा का विझंदो, ठीक है। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून डाल दिया। अब लेंगे 4 से 6 अदद हरी मिर्च साबित, हल्का सा 2 के अंदर कट लगा रहा हूँ ताकि इसमें अच्छा सी खुशबू आ जाए, ठीक है। इस तरह हल्का सा इनमें कट लगा दिया। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डाल देनी है, सावा मिर्च विझी इन चंदन के कवर करे दम ते रखूँ पिया 10 मिनट ला कॉल वठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कह रहे हैं कि थां गलाओ पिया जी अदी छा लाइन था जा अदर का आदी यो वो की फाइल का पालक में जी अदी यो का मोगी जो होता या वो वदो गोश्त वदो गोश्त आदी ये था जी मेहरबानी थैंक यू तांजी का फरमाइश आ है अदी मां वो तो मुझे खबर है लेकिन का फरमाइश करनी है तांके ठीक है वो पो रुखसाना जैदी कॉल कई भी मनन का रेसिपी वठी पो तांके ठाइन से खारा तो ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे इसमें मैंने क्या डाला हरी मिर्चें डाल दी ठीक है गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून डाला और कसूरी मेथी को हाथ से मसल के 1 टीस्पून डाला। अब इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि पालक का कच्चापन तो नहीं होगा लेकिन जो बॉयल होने के बाद उसकी एक हीक होती वो ख़त्म हो जाएगी। भुनाई अच्छी तरह करनी है इसको, अच्छी तरह आपने भूनना है 10 मिनट 8 मिनट तक, उसके बाद आपने चीज़ें डालनी है, इसको कवर करके दम पे रख दिया। आखिर में हरा धनिया जाएगा और अदरक चॉप किया हुआ जाएगा ठीक है। आलू बुखारे के दिसूँ था, आलू बुखारा बॉयल करना रखा हुआ, 1 कप खंड, 1 गिलास पानी, 1 पा यानी 8 अदद आलू बुखारा गाढ़ा हो जाए नरम हो जाए ठीक है। ये देखें बिल्कुल गल गए इस तरह, ये बिल्कुल गल जाएगा ठीक है। ये सफ़ा गरीब हैं आलू बुखारा, 1 कप खंड, 1 गिलास पानी, 1 पा का 1.5 पा जितना आलू बुखारा हुआ ठीक है। 1 पाव चीनी और सॉरी 1 कप चीनी, 1 गिलास पानी और 1 से 1.5 पाव आलू बुखारा रेड कलर का आपने लेके वो डाल दिया था वॉश करके साबित, कट नहीं लगाना है। इसको पकने देंगे 15 मिनट तक हल्की आंच पे, पहले बॉयलिंग आने दें देन अपने हल्की आंच पे पकाना है। ये बिल्कुल पल्पी सा हो गया, जब इस तरह इसका छिलका वगैरह हट जाएगा पल्पी बन जाएगा इसको ठंडा करेंगे। चूल्हा बंद कर रहा हूँ ठीक है, ये ड्रिंक हमारी ठंडी करके फिर इसको सर्व करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, यहाँ पर निकाल के रख रहा हूँ, बाद में हम नेक्स्ट ब्रेक में इसको देखते हैं। हे हिते थदो पियो थे पालक हेॾे शिफ्ट कर कयूं ऐं हाणे असां ईंदासीं सेकेंड रेसिपी, बल्कि थर्ड रेसिपी असांजी छा आहे, बेसण वारी अरवी। अरवी का सीज़न है, बेसन वाली अरवी बन रही है। ये पालक हमारी दम पे चली गई,
ठीक है, रेडी में चौक कर पालक। अच्छा अरवी बॉयल थियल है, ठीक है, ये अरवी है एक का डेढ़ पाँच जी अरवी घट ठाया पो तो तुम हिसाब से ठाजो। अरवी के बॉयल कबो वॉश करे, बॉयल करने का पोजी स्किन हटाए छो, ठीक है। अरवी को वॉश करके बॉयल किया था और छिलके के साथ अब इसको इस तरह लंबाई में दो पीस में काट लें, अगर छोटी हैं गोल काट लें, ठीक है। बड़े पीसेस में अरवी को रखते हैं, नाइफ चेंज करता हूँ, ठीक है। अरवी के ऐसो बॉयल थे सजी अरवी इन तरीके से इनके खले से गड बॉयल कजो पो वदी सुठी रहंदी आई टुटंदी ना है, उनका पो थदी करे इनके ता कडी वड़जो, ठीक है। ये हो गई हमारी अरवी बॉयल, इस तरह दो दो पीस कर दिए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने अरवी बनाने के लिए लेना है एक फ्राइंग पैन, ठीक है। एक फ्राइंग पैन लेते हैं, एक फ्राइंग पैन खड़ा सी बेसण वाली अरबी ठंडी। अच्छा ही असल रेसिपी ठंडी है सरें के ऑयल में, लेकिन मैं इतने शारजा कुकिंग ऑयल यूज़ किया पे, हर को सरें ऑयल शौक से न खाइंदो है। अगर तक सरें ऑयल में भाजी वणे थी तो चार खाने जा चमचा सरें ऑयल विझो, लेकिन मैं इतने शारजा कुकिंग ऑयल यूज़ किया पे, ठीक है। वैसे ये ओरिजिनल जो रेसिपी है वो सरसों के ऑयल में बनती है, लेकिन मैं यहाँ पे शारजा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो 6 टेबल स्पून आपने लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, ठीक है। शारजा कुकिंग ऑयल विंदो 4 का 5 खाने का चमचा विझूँ था बस। पालक बिल्कुल तैयार है, ये दम ते 2 मिंट का पोजो चूल्हो बंद कर साई मिर्चन जो कलर चेंज थी वो है तो चूल्हो बंद कर वा कर समझो भाजी तीन तैयार थी वही, ठीक है। ऑयल गर्म हो रहा है, सबसे पहले हम ऑयल में क्या डालेंगे, मसाले डालना शुरू करेंगे हल्की आंच पे। ऑयल जब गर्म हो जाए चूल्हा मैंने बंद कर दिया ताकि मसाले जले ना। अब यहाँ पे डालेंगे बेसन, चूल्हो गलाइंदो ही लगे। बेसन 1.5 खाने जो चमचो भरी विझंदी, 1.5 टेबल स्पून बेसन डाल दिया। राई दाना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच और जो राई होंगी सरें जो बीज 1 चाय जो चमचो, बेसन 1.5 खाने जो चमचो, उनका अजवाइन विझंदी 1/2 चाय जो चमचो, 1/2 टीस्पून अजवाइन, ठीक है। 1 चाय का चम्मच राई कुटी हुई, बेसन 1.5 खाने का चम्मच, मैंगो पाउडर आमचूर पाउडर होता है मैंगो पाउडर ये डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के, 1 चाय जो चमचो अंबचूर जो मैंगो जो पाउडर होता है अंबड़ी जो पाउडर वो विधो, ठीक है। हाँ इनमें विझंदी चाट मसालो 1/2 चाय जो चमचे का घट थोड़ो सो 1/4 टीस्पून चाट मसाला चला गया। जीरा पाउडर जीरे के कुटे यो विझंदी 1 चाय जो चमचो, अदरक कुटियल आहे 1 खाने जो चमचो, कुटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, ठीक है। दोबारा रेसिपी फिर रिपीट कराता हूँ। अब इनमें विंदो हल्दी पाउडर 1/2 पीठल, 1/2 चाय जो चमचे का घट कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च विंदा 1/2 चाय जो चमचो, ठीक है। आई पीठल धाणा इनमें विंदा 1 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1/4 टीस्पून 1/4 चाय जो चमचो, ठीक है। हाँ लूण इनमें विंदो 1/2 चाय जो चमचे का घट, ठीक है। अब हरा धनिया भी साथ ही डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च चॉप की हुई। ये पूरी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, मैंने मसाले क्या क्या डाले हैं आप लिखते जाएं, बहुत मज़े की बनती है। बेसन वाली अरवी बिल्कुल फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च 2 से 3 अदरक, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हरी मिर्च में मिर्च ऑलरेडी डाल, ठीक है। हरी मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप की हुई 2 से 3 अदरक। अब इसकी रेसिपी पूरी रिपीट कराता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया, ठीक है। 4 टेबल स्पून टू 5 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ले लें, मैंने शारजा कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें ऑयल को हल्का गर्म करके चूल्हा हल्का कर दें या बंद कर दें ताकि चीज़ें जब डालेंगे तो जले ना। बेसन 1.5 खाने का चम्मच, म्यूज़िक थोड़ा घट करे बैठो, बेसन 1.5 खाने का चम्मच, राई कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून 1/4 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है।
उसके बाद आपने डालना है इसमें हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, और उसके बाद आपने इसमें डालना है हरी मिर्चें 2 अदद। ये साथ साथ ही सब चीज़ें डालनी है। अदरक बिल्कुल बारीक कूट के इसके अंदर डाल देनी है 1 खाने का चम्मच, और चाट मसाला 1/4 चाय का चम्मच डाल दें, और आमचूर मसाला होता है मैंगो पाउडर वो डाला, और इस सब मसाले को हल्का सा भूना। उसके बाद अरवी बॉयल की हुई इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्की बाय थे इनके पचाईंदा सी, ॾाढी मज़ेदार बेसण वारी अरवी आहे। 1 खां 1.5 पाव जी अरवी आहे, सॼो मसालो ड्राई थी वेंदो, इन जो मसाला चिंबड़ी वेंदो, ठीक है। 4 खाइण जा चमच ऑयल गरम कंदो, उनमें विझंदो सभिनी खां पहिरीं अदरक विझिजो कुटे 1 खाइण जो चमचो, ठीक आहे। सावा धाणा 2 खाइण जा चमच, सावा मिर्च 2 अदद कुटे विझंदो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, हैड 1/2 चाय जे चमचे खां बि सफ़ा घटि, गरम मसालो पाउडर बि 1/2 चाय जे चमचे खां सफ़ा घटि, पीठल धाणा 1 चाय जो चमचो, लूणु 1/2 चाय जो चमचो, ऐं आमचूर जेको हूंदो आहे अंबड़ी जो पाउडर हूंदो आहे मैंगो पाउडर वो 1 चाय जे चमचे खां थोरो घटि, या 1 चाय जो चमचो, चाट मसालो 1/4 टीस्पून, लूणु बि 1/2 चाय जे चमचे खां घटि, ऐं अजवाइण थोरी विझंदो 1/2 चाय जो चमचो, सभु मसालो मिक्स कंदो, 1/2 खाइण जो चमचो बेसण बि विझिजो। पोइ हिन खां पोइ अरवी जेका बॉयल हुई उहो विधी आहे, हिनखे हल्की बाहि ते पचाईंदा रहंदासीं, जॾहिं ही सफ़ा मसालो खुश्क थी वेंदो हिनखे डिश आउट करे वठंदासीं। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं? जी क्या कह रही हैं, केबल आपकी नहीं आ रही? अच्छा, पहली दफ़ा कॉल मिलाई है, वेलकम करता हूँ आपको मेरे प्रोग्राम में, आपने कॉल की। जी कुछ कहना चाहेंगी? मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, क्या कह रही हैं, आपको क्या सीखना है? निहारी, निहारी मैंने अभी रमज़ान में बनाई थी, मैं कोशिश करूँगा दोबारा बना दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है? ओके जी। टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात किया करें, आपकी टीवी की आवाज़ मुझे आ रही है, ठीक है। जॾहिं भी कॉल कंदा आहियो टीवी जो वॉल्यूम बंद करे ॻाल्हाईंदा कयो, या ॿिए कमरे में वञी ॻाल्हाईंदा कयो, इनखे छा थींदो आहे, मां बि डिस्टर्ब थिया थो ऐं सॼी लाइन डिस्टर्ब थींदी आहे। पालक कोश हमारा हो गया तयार, उसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ जब तक अरवी हमारी बन रही है, ठीक है। अरवी का मसाला बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा, अरवी को पहले छिलके के साथ बॉयल करें, फिर छीला ना करें, उससे क्या होता है कि हाथों में खारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसका मसाला बिल्कुल ड्राई होकर खुश्क हो जाएगा, ये बेसन इसके ऊपर चिपक जाएगा, बस चम्मच चलाते रहें, हल्की आंच पे मसाला जले ना, ठीक है। ये मज़ेदार अरवी जेका है बेसण वारी तैयार पई थी। हाँ छा कंदासीं, हिते पालक गोश असांजो थी वियो तैयार, इनखे कयूं था डिश आउट। पालक गोश को डिश आउट करने से पहले इसमें अदरक डालेंगे, लच्छे में कटिंग की हुई बारीक, 1 खाने का चम्मच जितना अदरक डाल दिया। अदरक डाल के इसमें डालेंगे हरा धनिया 1/2 कप जितना, 1/2 कप जितरो सावा धाणा, इनके कंधा से मिक्स मिक्स करें, इनके डिश आउट किया था। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक अदी, छा हाल आहिनि तव्हांजा? जी जी गिदामड़ी विझिजो हिनमें। जी ऐं अंबड़ियुनि खे तव्हां स्टोर बि करे सघो था, अंबड़ियुनि खे कटिंग करे 1-1 अंबड़ी जा पीसिस ठाही नंढी नंढी शॉपर्स में भरी तव्हां फ्रीज करे सघो था। आईंदा बि तव्हांखे अगरि कंहिं भाॼी में विझणो हुजे न, 6 महीननि ताईं तव्हां फ्रीज करे रखी छॾो, जॾहिं ठाहिणी हुजे 2-3 कलाक पहिरीं कढी विझी छॾिजो हुनखे। छा शइ थी? अचार, हा जी जी छो ख़राब थी वई? उस जे बग़ैर न थींदो न, इहो अचार जेको ठहंदो आहे इहो उस जे बग़ैर न ठहंदो, मां उहो ई तव्हांखे चयो। त टेरिस में किथे उस न ईंदी आहे? छा मथे अच्छा, या त पोइ कंहिंजे घर में रखाए छॾियो, को भेण जे भाउ जो कंहिंजो घर वेझो हुजे छित जो। हा हे त आहे, हलो ठीकु आहे, हा बिल्कुलु महिरबानी, ठीकु आहे ठीकु आहे दी, महिरबानी, तमामु घणी महिरबानी, अलाह हाफ़िज़।
जी मेहनत से तुम अचार ठाया खराब थो कई गल ना बया भी अचार एक बहन मैं ऐसा तो सुबह पनीर ठाण सिखारा तो वो अड़ा अचार है कि तुम इंडोर रखी सोता घर में ठाई रखी सोता बगैर उस भी ठीक है। पालक गोश्त मज़ेदार आप देखें पालक बिल्कुल बहुत ज़्यादा पिसी हुई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पेस्ट की तरह नहीं है ठीक है। इस तरह पालक गोश्त मज़ेदार ये रेसिपी आपके सामने मैंने बना दी है। इंशाल्लाह आलू गोश्त भिंडी गोश्त इस तरह के शोरवे वाले सालन जो है वो भी बनाएंगे। कीमा भी बनता है वेजिटेबल के साथ ठीक है। ब्रेक जो टाइम भी थे पे ये पालक गोश्त असो तैयार इनके मारा विछा पे डिश में इनका पोजेस तीन असाजी अरवी है बेसण वाली वो भी तैयार थे पी बेसण वाली अरवी वो भी तैयार थी वी उनका आलू बुखारी की ड्रिंक ठाईदी ब्रेक तू ठीक है। शॉर्ट ब्रेक वूँ था ठीक है ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू कर। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो। दिल चाहे और क्या शारजा शारजा कुकिंग ऑयल शारजा वनस्पति घी विटामिन ए एंड डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है इते अरवी देखो शारजा कुकिंग ऑयल से गठे पे अरवी जड़े थई वई इनो बेसण इन मसाला खुश्क मैं इनमें सावा मिर्च विधा है 4 अदद लंबाई में कटिंग करे ठीक है। लंबाई में कटिंग करके हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी और ये बेसन का मसाला जो है ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा अरबी में चिपकने लगेगा बिल्कुल ये झाग सी बन रही है। अब ये ऑयल इसका निकलना शुरू हो गया ठीक है। मसालेदार अरबी बेसन वाली अरबी ये आपने ज़रूर ट्राई करनी मज़ेदार रेसिपी है। इस तरह की छोटी छोटी सब्जियों की रेसिपीज आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि और ये पालक गोश्त हमारा हो गया मैंने डिश आउट कर दिया ठीक है। बस इसको भी डिश आउट करते हैं उसके बाद हम आते हैं ड्रिंक पे। खाली बार टाइम के थोड़ा सा ठीक है ये हमारी हो गई और इसको भी डिश आउट करेंगे अरवी हमें भी अंदर से सावा धाना थोड़ा हरा धनिया डाल दें लास्ट में शुरू में भी डाला था और भी लास्ट में डालूँ ठीक है। हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करें चूल्हा बंद कर दिया हाँ इनके मिक्स कर सावा धाना विझी सावा मिर्च विधा हो नरम थी वह ये असि अरबी थी वही तैयार ठीक है। ये चूल्हो बंद कर छोड़ो 2 मिंट का पंखे डिश आउट कर वी हाँ असा ड्रिंक से पालक गोश अस तैयार थी पालक गोश के भी रखूँ था टेबल से ठीक है। ये पालक गोश हो गया तैयार अब आते हैं ड्रिंक पे टाइम बुधाए जो मुझे केतरो है आलू बुखारो ठीक है। एक पाव आलू बुखारा 1 गिलास पानी 1 कप चीनी के साथ इसको इतना बॉयल किया था कि 15-20 मिनट इसको हल्की आंच पहले तेज़ आंच पे फिर हल्की आंच पे ताकि इसका बिल्कुल गूदा निकल जाए ठीक है। ये आलू बुखारे का गूदा 1 कप खंड 1 गिलास पानी 1 पाव का 1.5 पाव जितना आलू बुखारा 8 हुंदा वड़ा गाढ़ा ठीक है। उनके कवर करे पचाए जो पहली तेज़ बाहे ते बॉयल का जो 5 मिनट उनका पोए हल्की बाहे ते 10-15 मिनट छठे सफ़ा आलू बुखारा गरी विया आहिनि छिलको वग़ैरह सभु इन जंदा गरी वियो बर्फ़ ला दे मुझे हुन खां पोइ छा कंदासीं हिन में विझंदासीं पाणी 1 खां 1.5 कप वधीक न 1 से 1.5 कप पाणी डालेंगे ज़्यादा नहीं ठीक है। बस 1 से 1.5 कप पाणी डाला इसमें डालेंगे इसको बिल्कुल ठंडा करके इसमें डालेंगे काला नमक 1/2 टीस्पून से कम फॉर टेस्ट अच्छा टेस्ट देने के लिए। अगर नहीं पसंद काला नमक तो आप ना डालें ठीक है। इनमें पानी विधो 1.5 कप पानी विझण थदो पानी विझण थदे करण का थदो पानी विधो और कारो लूण विधो ठीक है। काला नमक 1/2 टीस्पून डालें बहुत ज़्यादा नहीं फ्लेवर बहुत अच्छा आता है काले नमक से जब हम ड्रिंक्स में डालते हैं। अब क्या करेंगे स्टैंडर्ड लेते हैं छन्नी ये हो गया ट्राई छन्नी लेते हैं और इसको बॉल में छान लेते हैं। बेसन अरे अरवी तैयार थी भाई ये डिश में कटी बैठा बेसन वाली अरवी हो गई तैयार इसको भी मैंने निकाल दिया मसाला सारे इसके ऊपर निकाल दे बेसन का चटपटा मसाला है ये ज़ाया ना करें। बेसन वाली अरवी हमारी हो गई तैयार इसको भी रखते हैं टेबल पे ठीक है। हाँ इंदासी आलू बुखारे के शरबत के सर्व करने जो तरीको बताया तो ठीक है। आलू बुखारे के शरबत
इसमें ठंडा पानी डाला, इसको मिक्स किया 1.5 कप, बस इनका ना वेजो पुजो टेस्ट फिको थी वो वरी मथा खंड वेजो तो उनको जायको ना हाँ एक छानी खणजो कारो लूण विझी छो इनमें ताकि में फ्लेवर अचे छन्नी ली स्ट्रिनर ये पूरा डाल दिया गूदा इसमें और भी फ्रूट्स हैं बहुत सारे उनकी भी ड्रिंक्स हैं इंशाल्लाह बनाते रहेंगे डेली कोशिश करूँगा। अब ये पूरा पल्प इसके अंदर मिक्स करें सजो ही गूदो इन जो निकरी वने छणजी वो ये दिसो जो कलर केडो खूबसूरत है आलू बुखारे जो आलूचे जो पांजो कलर है ये पल्प अच्छी तरह मैश करें पूरा पल्प इसमें निकल जाएगा ठीक है गुठली रह जाएगी छिलके जो हैं वो रह गए ये डेली ठाई सोता डेली ठाओ डेली पियो खुबानी जो है उनके भी है अना काफ़ी सारे फ्रूट्स की ड्रिंक्स हैं जो मौसम में अचे पो तो ठाईदा वासी जामन जो हों जामन की भी ड्रिंक ठंडी है जामन की भी ड्रिंक है शरबत बनता वो भी इंशाल्लाह कमिंग वीक में बनाऊंगा। ये पूरा पल्प मैंने इसका निकाल दिया ठीक है ये हो गया। अब क्या करेंगे ग्लास में बर्फ़ डालेंगे दो ग्लास ले लें 4 ग्लास आराम से बनेंगे मीडियम साइज़ के ठीक है बड़े ग्लास हैं इसमें आइस क्यूब्स डालें मज़ेदार ही आलू बुखारे जो शरबत एक होता है इमली आलू बुखारे का शरबत वो ड्राई आलू बुखारे से बनता है लेकिन ये फ्रेश आलू बुखारे का शरबत है ठीक है ये डिफरेंट है वो इमली आलू बुखारे का डिफरेंट होता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें देखें कितना ज़बरदस्त कितना कलरफुल इस तरह बनाएं रमज़ान में ये थे नहीं आलू बुखारे वरना मैं रमज़ान में बनाना सिखाता ठीक है ये वड़ा गिलास है तो ये टे ठा 4 ग्लास आराम से इंजा निकरंदा मेहमान अचन था घर में पान शरबत ठायो फ्रूट्स जो बारन के भी दियो पान भी पियो मज़ेदार फ्लेवर वालों शरबत ठीक है। ये आलू बुखारे की ड्रिंक हमारी हो गई तैयार जो की रेसिपी बिल्कुल इजी मज़ेदार रेसिपी बेकिंग भी हाँ स्टार्ट करना सी बेकिंग जो भी काफ़ी सारों रह फरमाइश अच्छे पे बेकिंग से भी अचूँ था ठीक है। ये देखें आलू बुखारे का शरबत फ्रेश आलू बुखारे का शरबत और उसके साथ ये बन गए हमारे अरवी बेसन वाली अरवी और आलू गोश ठीक है और सॉरी पालक गोश पालक गोश चिकन में भी ठाई सको था लेकिन बीफ में वधिक मज़े जो ठाँद सुबाने 12 वगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है फेसबुक ते उते रेसिपी अपलोड थी मुझे पेज के लाइक कजो तो ताकि सारी रेसिपीज उते मिलंदी रहंदी इनबॉक्स में मैसेज कंदा कयो कुछ भी पूछणो हुजे कमेंट्स में ना कंदा कयो वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो यूट्यूब ते ठीक है कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते इनके सब्सक्राइब कंदो और उनको बेल आइकन दबाईंदो तो ताकि अपडेट्स मिलंदी सुबाने जी रेसिपी मज़ेदार हूँ कल 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे इसको लाइक करें वहाँ पे इनबॉक्स में कोई भी मैसेज करना हो वीडियो फोटोज़ में जाके आपको सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें यूट्यूब पे कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे सर्च करेंगे उसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन था छोटी सी बेल होती बनी हुई उसको भी दबाएं फिर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरी मिलती रहेंगी जो रेसिपी यहाँ पे अपलोड होगी वो आपको मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह कल की रेसिपीज़ देखिएगा मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे कोई ड्रिंक बनाएंगे कोई और भी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग की फरमाइशें हैं इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़। हाँ कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।